हमने डिफरेंट मूवमेंट के बेसिक पैटर्न्स जो थे बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स उन पे बात की नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ दैट मोटर स्किल जिसमें आपके मेजर बॉडी पार्ट्स जो हैं या मेजर पार्ट्स मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरह की मूवमेंट में तो उसके लिए हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल तो गो ग्रॉस मोटर स्किल की डेवलपमेंट अगर देखें विद द एज पीरियड के किस एज पीरियड में कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है और अगर वो नहीं हो रही तो उसके क्या नतज हो सकते हैं और वो क्या कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बच्चे की लाइफ में आती हैं तो इनको हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट में ज़ीरो से छ माह के बच्चे के लिए कि फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ बेबी की अगर बात करें तो उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स कौन से होने चाहिए या वो कौन सी मूवमेंट है कि जो बच्चा जो है पहले छ माह में करना सीखता है तो उसमें सबसे पहले रोल्स ओवर फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट के आगे की तरफ रोल करना या पीछे की तरफ अपने आप को रोल करते हुए ज़ोर लगाना तो इस, की, इस तरीके की मूवमेंट के लिए ये बच्चा पहले छः माह में इस तरीके से करता है सिट्स विद सपोर्ट एंड देन इंडिपेंडेंटली कि पहले कोशिश करता है कि ख़ुद से बैठे मगर अगर का सपोर्ट के साथ बैठता है या फिर का इनफरादी तौर के ऊपर ख़ुद से बैठने की कोशिश करता है तो पहले छ माह में बच्चा ये उसके लिए माइल स्टोन है यहाँ तक उस बच्चे की मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए मगर अगर वो ये नहीं करता अगर हम कहें कि पॉसिबल इम्प्लिकेशन इफ़ माइल्सटोन नॉट अचीव कि अगर ये वाले माइल स्टोन नहीं अचीव किए गए तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं तो उनको मद्देनजर रखना चाहिए और वो उनके ऊपर काम करना चाहिए उसमें सबसे पहले पुअर मसल डेवलपमेंट फॉर लोकोमोशन के उनकी जो हरकत पैदा करने वाली जो कुवत है जिसको कि हम लोकोमोशन बोलते हैं वो मसल डेवलपमेंट उनकी बड़ी पुअर होती है तो अगर वो नहीं होगी बच्चे की तो वो बच्चे की आने वाले टाइम में मूवमेंट में ये चीज़ें हर्डल क्रिएट करती हैं सो डिलेड एबिलिटी टू प्ले इंडिपेंडेंटली इसके साथ फिर बच्चा जो है वो खेलने में ख़ुद से खेलने में उसके ताखीर आ जाती है या दूसरे महीनों में वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड लेता है इसी तरीके से अगर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो छः से बारह माह के बच्चे की अगर हम बात करें तो उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की बात करें तो उसमें बच्चा क्राल्स फॉरवर्ड ऑन बेली के बच्चा पेट के बल आगे की तरफ रेंगता है इसी तरीके से एज्यूम में सीटेड पोजीशन अनएडिड के अपने आप को बैठने की कोशिश करता है बग़ैर किसी सहारे के या बग़ैर किसी सपोर्ट के क्रीप्स ऑन हैंड एंड नी के वो अपने कोहनियों के ऊपर और वो या हाथों के ऊपर या और घुटनों के ऊपर वो रेंगने की कोशिश करता है या क्रॉल करने की कोशिश करता है इस तरीके से ट्रांजिशन इनटू डिफरेंट पोजिशन सिटिंग आल फोर लाइंग ऑन टमी के वो पेट के बल बैठने की या उठने की कोशिश करना और अपने आप को चारों हाथों के ऊपर और घुटनों के ऊपर चलने की कोशिश करना पुल सेल्फ टू स्टैंड अपने आप को कोशिश करना कि खड़ा होने की कोशिश करता है बच्चा वाक वाइल होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर के इधर उधर से चीज़ों को पकड़ के या टेबल को पकड़ के चेयर को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है बच्चा टेक्स टू टू थ्री स्टेप्स विदाउट सपोर्ट और कोशिश करता है कि एक या दो या तीन स्टेप्स जो हैं वो बग़ैर किसी सहारे के लें ये अगर हम देखें तो छः से बारह माह का बच्चा जो है वो ये वाली उसकी हरकत जो है उस पर वो बच्चा जो है उसको करनी चाहिए मगर अगर बाज़ात जब वो बच्चे नहीं कर रहे तो उसमें में बाज़ात उसकी वजह से जो नतज आते हैं या जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा डेवलप होती हैं वो अगर हम देखें तो पॉसिबल इम्प्लिकेशन इफ़ माइल स्टोन नॉट अचीव तो इसके साथ होगा क्या कि आके डिलेड सेंसरी डेवलपमेंट ड्यू टू तो डिक्रीज एबिलिटी टू तो एक्सप्लोर दिनमेंट तो वो बच्चे की जो हिस्सी नज़ाम जो है उस अंदाज से काम नहीं करेगा जिस अंदाज से कि काम करना चाहिए और उसमें तख़ीर आएगी इसके अलावा पुअर मसल डेवलपमेंट और उस बच्चे के मसल्स जो हैं उस अंदाज से डेवलप नहीं हो सकेंगे जिस अंदाज से कि उनको डेवलप होना चाहिए और इसके साथ वो जो इर्द गिर्द का उसका एनवायरनमेंट है उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे जो उसने लर्निंग करनी है अपनी सेंसेस के ज़रिए जो फाइव सेंसेस की हमने बात की थी पीछे वो, 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 वो अपने के हियर टच टेस्ट और लिसनिंग ये तमाम चीज़ों की अगर हम देखें तो अगर जो इसके इन्वामेंट में उसको ये चीज चीज़ें चल रही होती हैं वो चाहे विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हो टेस्ट पॉइंट ऑफ के साथ हो या टच पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हो तो उनमें उस बच्चे की जो है वो उनको सेंस करना या उसमें जो है उसकी प्रोफिशेंसी जो होती है वो फिर डिलेड से डिलेड होती जाती है